आज नांदुरा तहसील मध्ये समाजवादी पार्टी यांच्यातर्फे राष्ट्रवादीचे जे अजितदादा गटचे दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी साहेबांना गोळी मारून हत्या करण्यात आली, त्याकरिता या महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याचशा ज्या नेत्यांचे जीवन धोक्यात असल्यामुळे त्याकरिता समाजवादी पार्टीचे जे कार्यकर्ते त्या ठिकाणी निवेदन देण्यासाठी आलेले आहेत, आज यांनी निवेदन दिलेत. सर, मोजका जो आजचा जो मुद्दा जो आहे, जे सिद्दीकी जे आहेत बाबा काय सिद्दीकी साहेब यांना ओढून गोळी मारून हत्या केली, तर तुम्हाला काय वाटते की तुमचे जे राष्ट्रवादी महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष जे राष्ट्रवादी अबू सलीम आझमी साहेब आहेत यांना तुम्ही भेट सक्री मागितली, नेमकं उद्देश काय? बाबा सिद्दीकी अजितदादा गटचे बाबा सिद्दीकी ते माजी आमदार माजी मंत्री असून सुद्धा त्यांच्या कार्यालयासमोर दिनदहाडे धमकी देऊन त्यांची हत्या होते. व प्रशासन बघत राहते, प्रशासनाची भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेलं आहे. येणाऱ्या विधानसभेबाबत आमचे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अबू असीम आझमी साहेब हे विविध दौऱ्यावर निघणार आहे, म्हणून आम्ही त्यांच्यावरही प्राणघाता हल्ला होऊ शकते, कारण की वारंवार घटना होत आहे आणि पोलीस प्रशासन यांच्या आपल्याला कसं माहिती की वारंवार हल्ला होऊ शकतो आणि कोण करू शकतो हल्ला? जे समाजवादी पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू असीम साहेब आहेत त्यांना कोण मारू शकतो? विपक्ष किंवा ज्या लोकांस म्हणजे कोण विपक्ष म्हणजे सत्ताधारी हे बी आमच्या सत्ताधारी जे आपले राज्याचे गृहमंत्री किंवा देशाचे राज्यमंत्री किंवा देशाचे मुख्यमंत्री यांच्यापासून आमच्या नेत्याच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे, कारण की विपक्षावर चुनून सत्ताधारी हे आपले गुरग्यामाबत किंवा आपल्या लोकांबाबत हल्ले करत आहे असा स्पष्ट आम्हाला दिसत आहे, कारण की जे हल्लाखोर आहे त्यांच्या स्पष्ट चौकशी होत नाही किंवा त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची आतापर्यंत कारवाई होत नाही किंवा दिसत नाही. हे आपण इथं पाहू शकता की समाजवादी पार्टीचे जे कार्यकर्ते जे आहेत आझाद पठाण यांनी सीधा आरोप जो आहे मुख्यमंत्री व गृहमंत्री महाराष्ट्राचे गृहमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्यावरती असा आरोप केलेला आहे की समाजवादी पार्टीचे जे अध्यक्ष अबू असीम आझमी यांना सुद्धा मारण्याचं षडयंत्र हे बीजेपी रचत आहे, हे महाराष्ट्र सरकार असा आरोप यांनी यांच्यावरती केलेला आहे. बघूया यांना हे सगळे मिळणार का नाही मिळणार हा प्रश्न या महाराष्ट्र जनतेसमोर पडला आहे. महाराष्ट्र राज्य प्रतिनिधी आयपीसीवर रतन डोंगर दिवे नांदुरा. देखो, जिस जब से केंद्र में बीजेपी गवर्नमेंट आई है और जब से मुसलमानों पे जो हमले है वारंवार बढ़ चुके हैं, हर जगह मुसलमान भी जो बड़े नेता है जो भी यूपी हो बिहार हो यहाँ पर बार बार मुसलमानों को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है. इसी तरह का टारगेट हमें डर है कि अबू असीम साहब जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है जो विधानसभा में पूरे महाराष्ट्र के दौरे करने वाले हैं उनके ऊपर भी हमला हो सकता है और इसी गवर्नमेंट के इशारे पर हो सकता है, क्योंकि ये जो है विपक्ष को चैन से जीना खुले आज़ादी से खुले लोकतंत्र से चुनावी होने देने नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको विपक्ष नहीं चाहिए, इसीलिए ये आदमी साहब पर भी हमला कर सकते हैं, इसके लिए हमें उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी चाहिए. तो ये आपका कहना है कि बीजेपी हल्ले हो रहे हैं गोलियों से मारे जा रहा है, बीजेपी इनके इशारे पे हो रहा है, क्योंकि अभी तक के निष्पक्ष चौकसी क्यों नहीं रही, आरोपी सामने क्यों नहीं आ रहा है, क्यों चौकसी के नाम पे सालों से आरोपियों को जेल में रखा जा रहा है, क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? ये जो मुस्लिम समाज के जो घर भी गिराए जा रहे हैं गोलियों से मारे जा रहा है तो इसके बारे में जो पकड़े जा रहे हैं उसके भी तो हो जाएंगे, इसमें सीधा सीधा राज्य गवर्नमेंट और केंद्र गवर्नमेंट का हाथ होने की वजह से उनके तो मेला होनी चाहिए ना. इनका कहना है कि बीजेपी सरकार के जो सरकार जो चल रही है इनके कहने पे भाई लोग गुंडे लोग ये इनको मार रहे हैं और उनके बेले भी हो जा रहे हैं और इतना कहकर हम उनको मिल नहीं रहे और ये दे नहीं रहे, तो इसका कारण क्या है? देखो, ये कुछ चाहते हैं कि मुस्लिम कायदा जो है देश से खत्म होना चाहिए. इसी की एक मिसाल है कि यूपी के अंदर पूर्व सांसद अतीक अहमद की पुलिस सिक्योरिटी के अंदर हत्या हो जाती है, उसी तरह जेलों के अंदर मुस्लिम जो कायदे हैं इनकी जेलों के अंदर हत्या कर दी जाती है. और बिहार के अंदर शाहबुद्दीन हो गए, यूपी के अंदर अतीक अहमद हो गए, उसके बोलो मुख्तार अंसारी हो गए, इसी तरह देश के अंदर मुस्लिम कायदा को चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है. इसीलिए हमको डर सता रहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अबू असीम आझमी साहब जो आने वाले विधानसभा में महाराष्ट्र के गली गलियों में अपने प्रचार के लिए अपनी पार्टी के लिए महाविकास आघाड़ी के लिए घूमने वाले हैं, इसीलिए उनको वाई प्लस सिक्योरिटी देना चाहिए. केंद्र गवर्नमेंट राज्य गवर्नमेंट से इनकी जान को हमको खतरा है ऐसा हमको महसूस होता है, इसके लिए हमने मांग की है.